मुझे याद है कि जब मैं मोगा से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में एक शहर, फिर इंजीनियरिंग करने में नागपुर गया, वहाँ से इंजीनियर बने, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फिर स्ट्रगल करने मुंबई आए, और हर रोज़ एक इंतज़ार रहता था आपको कि एक फ़ोन बजेगा आपका, आपको कोई कॉल आएगा किसी डायरेक्टर का, किसी एड के लिए, किसी म्यूजिक वीडियो के लिए, और आपको लगता था कि ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय आ गया है, और फिर आपको एड, फिल्म जो भी करते थे, और आपको लगता था कि ज़िंदगी का एक पड़ाव तय हो गया, और फिर आप इंतज़ार करते थे एक अगले एक मैसेज का। ज़िंदगी के बहुत सारे साल मेरे ऐसे बीते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स के ऐसे बीते होंगे और बीत रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों को कामयाबी पहले मिलती है, कुछ लोगों को बाद में मिलती है, कुछ लोगों की कामयाबी के मायने कुछ और रहते हैं। तो मैंने पिछले 18-19 सालों में करीबन 100 की मैंने फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अमराती, चाइनीज, हिंदी, सब भाषाओं में की, और मुझे लगा कि मैंने ठीक ठाक कर लिया है ज़िंदगी में। नॉट बैड, मैं कोई फिल्म लाइन का आदमी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सफलता मिली। और फिर पैंडमिक आया, और इन पिछले 16-17 महीनों में मुझे रियलाइज हुआ कि जिस चीज़ के पीछे हम लोग भाग रहे थे वो कितनी छोटी थी। जो चीज़ में हमें खुशी मिलती थी ये वो तो सच्चाई थी ही नहीं। जैसे फिल्म लाइन के अंदर कैमरा ऑन होता है कि लाइट, कैमरा, एक्शन, और फिर कैमरा बंद हो जाता है, बट ये जो ज़िंदगी थी इसमें ना लाइट है ना कैमरा है, सिर्फ एक्शन है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं लोगों से हर रोज़ मिलता हूँ, आज बड़े लोग घर के बाहर रोज़ आते हैं, और जब मैं आज यहाँ पर जब था तो मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात करता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, विश्वास नहीं करते कि मैं नहीं हूँ, फिर भी इंतज़ार करते रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप फॉर्म में भर के दे दीजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश करेंगे। उन अनजान लोगों के साथ कई कई घंटे बीत जाते हैं नीचे खड़े हुए, और जो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के स्क्रिप्ट जिनका मैं इतने सालों से इंतज़ार करता रहा, मैं वो पढ़ने का समय नहीं मिलता क्योंकि मुझे खुशी उन अनजान लोगों के साथ मिली। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने ये महसूस किया होगा कि किस तरह इस मुश्किल दौर में बहुत सारे लोग जुड़े, लोगों की मदद हुई, जाने बची, कुछ लोगों की बचा नहीं भी पाए। तो मुझे याद है कि एक जब मैं ये पूरा दौर कर रहा था, मैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार है हमारी इंडस्ट्री के, मेरे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका रात को फ़ोन आया मुझे 2-3 बजे रात को। मैं उस समय सेकेंड वेव का दौर बड़ा चल रहा था, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि तू कैसे कर रहा है सर, यूँ एक घंटे में ऑक्सीजन पहुँच जाती है, वहाँ पर बेड मिल जाता है, उसको इंजेक्शन मिल जाता है, और पूरे देश में हो रहा है, कैसे कर रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई काम करो, एक दिन मेरे साथ बिताओ 24 घंटे, पता चलेगा कैसे होता है, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। हमारे फोन में, हमारी जिंदगी के अंदर जो हम लोग सर समय बिताते हैं, हमारे पास इतने लोग तो पहचान होती है कि अगर हम वो फ़ोन घुमाना शुरू करें बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार मैं उसका एहसान क्यों करूँ, मैंने आज तक उससे कभी फ़ोन नहीं किया, मैं क्यों उससे बात करूँ, या हम लोग अगर दो बार उससे बात कर भी लेते हैं कि भैया वो काम कर दो, फिर तीसरी बार मैं कैसे फ़ोन करूँ, यार वो बुरा मान जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब खुद के लिए उनको फ़ोन करते हैं तो दो बार सोचिए, लेकिन जब आप एक अनजान आदमी के लिए मदद मांगने जाते हैं, सोचिए 20 दफ़ा फ़ोन कीजिए, 30 दफ़ा फ़ोन कीजिए। और मैं ऐसे ही पूरे देश से जुड़ पाया, मैं अनजान लोगों को फ़ोन करता था, आधी रात को फ़ोन करता, मुझे रात को कई बार 3 पे मैसेज आता था कि यार विशाखापट्टनम में किसी गांव में उसके पास किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मैं रात को 3:30 में किसी ब्यूरोक्रेट को फ़ोन मारता था, किसी पुलिस वाले को फ़ोन मारता था, किसी वॉलंटियर को फ़ोन मारता, चल गाड़ी पकड़ जल्दी लेके आओ उसको, और वो लोग बचने शुरू हुए, और ऐसे सब लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। मैं करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट से जुड़ा जब मैंने उनको भेज रहा था, वो 7.5 लाख लोग आज भी एक एक आदमी का नंबर, आधार कार्ड, हर चीज़ मेरे पास है। और जब मुझे किसी भी गांव में, चाहे उसको भैंस पहुंचानी हो किसी को, साइकिल पहुंचाना हो किसी को, ई रिक्शा पहुंचानी हो, मैं उस गांव का उस बंदे को ढूंढ लेता हूँ, वो जाकर देख कर आता है कि हाँ ये जेन्युइन रिक्वेस्ट हम लोग पहुँचाते हैं। इसलिए मैं जुड़ पाया क्योंकि मैंने कोई जाति, धर्म,
कोई रिलीजन कोई स्टेट नहीं देखा और जुड़ता गया। सो मैं कहता हूँ आज मैं आज इतने कई सौ लोगों से और जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर एक नया नेटवर्क बनाएंगे और नए लोगों की मदद करेंगे। आप मुझे कभी भी फोन कीजिए, मैं आपको स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर एंड आई एम ब्लेस्ड एंड ऑल ऑफ यू टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शास्त्री एक बार हमारे मंच पर आए। शी इज आवर गेस्ट ऑफ ऑनर टुनाइट सर। कोई कोविड से ना मरे पर भूखों से जरूर मर जाएगा। अनाज नहीं थी घरों में, पहले एक महीना लोगों को लगा नेक्स्ट मंथ तो चालू हो जाएगा। तो हमारे समाज के लोगों ने बहुत सोशल वर्क किया, अपने घर के पूरे डब्बे खत्म कर दिए। उसके बाद भूख एक ऐसी चीज थी और किसी को रियलाइज नहीं पड़ा कि एक साल दो साल चलेगा। और मैं बहुत बड़े बड़े स्टारों को पर्सनली जानती हूँ। लोग एक वीडियो देने के लिए भी कतरा रहे थे, मैं पैसे भी नहीं मांगे थे किसी। और जब सोनू जी ने अपना काम शुरुआत किया, हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, जैसे इन्होंने कहा मुझे शर्म नहीं आती मांगने के लिए, मैं अपने लिए नहीं मांगती, मेरे समाज के लिए मांगती, तो किस बात का शर्म? क्योंकि ये समाज, और मुझे मैं क्यों मांगू, मैं साथ जाके रोटी खाती हूँ। हमारा समाज तो बच्चे खुश रहे, आपके घर में खुशियाँ रहे, हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो ईसाई हो, मेरे समाज के लोग सबके दरवाजे पे जाते हैं, उनकी खुशियों में जाते हैं। और एक जिंदगी के ये मोड़ थे जहाँ एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, जो भाड़े से रहते थे उनके घर से छत छीन लिया गया। मेरे साथ मनीष जी हैं रेड कुर्ते में, किन्नीर सर्विसेज के सीईओ हैं मेरे साथ, मतलब मैं पोस्टर गर्ल अपने आप को मानती हूँ, सारा हार्डवर्क ये लोग करते हैं। तो मनीष जी और पूरे टीम ने कहा सोनू जी अच्छा काम करते, हमारे पास 500 राशन और पड़े हुए हम इनको देते। तो सोनू जी ने कहा कि आप दीजिए मुझे, मैं आपको अकेले हमारे बम्बई शहर में 7,850 प्रिसाइज राशन के सोनू जी के हिसाब से हमारे समाज के लिए आए। इट्स वेरी इजी, हम लोग अपने घरों में अपने कंफर्टेबल सिचुएशंस में बहुत खुश रहते हैं, पर कोविड ने सिखा दिया परिवार का क्या महत्व है, दोस्तों का क्या इम्पोर्टेंस है, और एक दूसरे के साथ का कितना बड़ा फायदा होता है। आज मैं दिल्ली में रह रही थी तभी, और सोनू जी बम्बई में, हम बहुत बार दो तीन बार जूम कॉल्स पे
और बहुत सारा साथ में मिलके काम किए, बट वन थिंग इज देयर, आई रियली सैल्यूट योर करेज। देयर आर मेनी मेनी स्टार्स जिनकी रेटिंग बहुत बड़े बड़े हैं, बट आई रियली बिलीव दैट यू आर द ट्रू स्टार, अ स्टार लाइट फ्रॉम योर सोल, अ स्टार हुम माय महाकाल वुड हैव मेड टू बी इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू सेव सो मेनी लाइव्स हु वर वॉकिंग ऑन फुट बैक टू देयर हाउसेस। आई सैल्यूट यू। You are a star too. You are a star too in your own right. Then please request our guest of honor, Dr. Shastri Rupani, join Sonu Sood sir to facilitate and sensitate someone who has inspired generations by her sheer mammoth hard work, ladies and gentlemen. Something called between Simi Garewal and Ma, they both have not aged with time, I must tell you. Don't go by those beautiful looks that she has. Absolutely, I have a lot. Please, ladies and gentlemen, देखिए ये परिवार हमारा बहुत बड़ा है और ये 5-7 लोगों का नहीं है और आपको उनके लिए तालियां बजानी होंगी जिन्होंने ऐसा काम किया और यही वो लोग हैं जो आपके लिए तालियां बजाएंगे जो रोमांच कराएंगे। मुझे लगता है सब हीरोज़ हैं और देश भर के कोनों कोनों से आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, यू नो अलग अलग फील्ड के लोग हैं जिन्होंने जुड़े उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब मैं उनके साथ मंच शेयर करता हूँ, उनके चेहरे पर खुशी देखता हूँ और जो भी थोड़ा बहुत समय उनके साथ मिल पाता है मंच पर और जब मैं उनका उनको इतना उत्साहित देखता हूँ लोगों की मदद करने में, तो मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है, देश है, वो सही दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे ही और हीरोज़ की बहुत ज़रूरत है और हम देख भी रहे हैं कि बढ़ ही रहे हैं ऐसे हीरोज़। ये जज्बा कहाँ से आता है? हम सब यहाँ बाहर खड़े थे और बहुत देर से देख रहे थे, मुझे लगता है कि जो अवार्ड्स वाले मेरे से ज़्यादा समय से हैं यहाँ पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं खड़ा हूँ, बट जो खुशी होती है एक, आप जब मेरा एक्सपीरियंस जब आप एक अनजान चेहरे पर वो खुशी देखते हैं, और आई थिंक उससे बड़ा अवार्ड आपके लिए कोई नहीं, और मुझे आज बहुत सारी खुशियाँ देखने को मिली हैं एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज कि आज हम सब एक परिवार का हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल, जब सोनू सूद जी जुड़ते हैं किसी, इनको इस मंच पे बुलाने का सिर्फ यही मुद्दा था कि पैंडेमिक में जो काम किया इन्होंने किसी ने नहीं किया, तो इससे बेहतरीन और इससे अच्छे और इतने इंस्पायरिंग चीफ गेस्ट इस शो के लिए, इस प्रेस्टीजियस शो के लिए, इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स 2021 के लिए कोई और नहीं हो सकता है, सिर्फ सोनू सूद जी ही हो सकते हैं। मेरे आखिरी दो सवाल, पता नहीं यार, प्लीज मेक इट करें कि हम रॉन्ग समझ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करी थी, ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिल्ली,
क्या आपको नहीं लगता हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, हम लोग सब चाहते हैं। इसका आंसर आप खुद जानते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट यू नो लाइक कितनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप पूरे दिल्ली स्टेट केंद्र की सरकार में बैठे और वहाँ आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, तो मुझे लगता है एक और हाथ मिलता है। काम तो अभी भी कर रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ पर हम लोग या मेडिकल में नहीं काम कर रहे, पर जब और हाथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि और चेहरों पर खुशी आएगी। और आज इतने चेहरों पर खुशी देखकर मुझे लगता है बड़ी कमाल की फीलिंग है। एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड गॉड ब्लेस यू। और आई एम सीरियसली बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे एक्साइट तो इतना हूँ मैं, अमृता जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं ये जितनी बार बुलाती थी मैं खाली नहीं होता था, लेकिन सही समय पे खाली मिला इस बार में एकदम बिल्कुल। हमारा जो वी कनेक्ट, जो एक तो वीआईपी वी कनेक्ट, हमारा कनेक्ट लिखा नहीं हुआ था, तो वी कनेक्ट स्टार जो है, जब एक ऐसा स्टार आया सोनू सूद, तब मेरा भी कनेक्ट हो गया बिल्कुल। तो अमृता जी के बारे में क्या कहूँ मैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत का फल आप लोग देख रहे हैं, और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, और मेरी तो ब्लेसिंग आपके साथ बिल्कुल है और पूरे लोगों की ब्लेसिंग है। आप बहुत बहुत तरक्की करें मैं चाहता हूँ। और श्रीधर जी के बारे में क्या कहूँ, सोनू सूद और श्रीधर जी दोनों एसएस वाले हैं और दोनों हेल्पिंग नेचर हैं जी, ये मैं जानता हूँ। वो ये बंदा एक हाथ में जेब में हाथ डालता है, दूसरे हाथ से कब पैसे निकालता है, किसी गरीब की हेल्प करता है, दोनों की कनेक्शन यहाँ मिल गई है, क्योंकि ये इवेंट कंपनी का नाम है वी कनेक्ट स्टार। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहिए ना हमारे बारे में, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर के बारे में क्या कहें, हम सब फैंस हैं। मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पे हैं सारे लोग इनके फैंस हैं, और मैं तो इनको बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वीआईपी जी, और आप हमेशा एसोसिएटेड रहेंगे हमारे साथ वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, और वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स आईजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना बड़ा अवार्ड ऑर्गेनाइज करना कितनी मेहनत लगी आपको, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। बिल्कुल, ये बहुत मोस्ट एवेटेड इवेंट था 2021 में हो रहा है ये, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से हम लोग ये कर नहीं पाए थे, बट जब ये थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ एंड वी प्लान दिस, और ये लगभग एक साल की मेहनत है हमारे, सो ये करना बहुत मुश्किल था, और लेकिन आज सारे लोग जब ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, तो आई एम थैंक यू गॉड एंड आप लोग के सबके सहायता के वजह से हम लोग सारे लोग साथ में हैं, और बिफोर माई टीम एज वेल। बिल्कुल, अमृता जी के बारे में ये कहूँगा, अगर वाकई में देखो सारा श्रेय तो आपके मित्रों को, आपके सारे दोस्त, पर आपका जो पैशन, जो आपने जो डेलीगेट दिया है अपना, जो आपने पूरा 100% दिया है, तो ही हो पाया, नहीं तो हो नहीं पाता था जी। तो मेरे अंदाज में, हाँ जी, प्रकाश राज की आवाज़ में अमृता जी को बधाई दूंगा। कमाल है अमृता जी ने, कमाल कर दिया, वी कनेक्ट स्टार इवेंट कंपनी, ए देश ने समझा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, आप सभी को आईजी से जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। हाँ जी, जी सोनू सूद जी इज़ अ रोल मॉडल हम सबके लिए हैं, और एज अ पर्सनैलिटी ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, तो इस मंच के लिए उनसे बेहतर इंस्पायरिंग एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट कोई था ही नहीं, स्पेशली कोविड के बाद हम सब जूझे हैं इस कोविड में, और जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड ट्रूली ऑब्लाइज टू मिस्टर सोनू सूद कि वो आज आए हैं एज अ चीफ गेस्ट बन के, और
पीछे ही आपको हॉल ऑफ फेम दिख रहा है, ये सारे हमारे बेहतरीन अवार्ड विनर्स हैं 2021 के, और उनको ऑनर कर रहे हैं उनके अचीवमेंट्स के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए। और मैं कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं आगे ज़्यादा मेहनत करने के लिए, एंड इट गिव्स यू अ पैट ऑन अ बैक, है ना। एक तो, चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सोनू सूद जी पिछले तीन घंटे से रंगमंच पर है, यहाँ पे अमृता जी का मतलब टेंशन हो रहा है यार, वो बंदा कब बैठे, थोड़ा बैठ जाए मतलब। तो उनके पीछे से मैं जब मैंने से मिला पीछे, मतलब ऐसे अगर उनको थोड़ा बैठा दूँ तो ये सल्यूट सोनू जी को भी सल्यूट जाता है। उन्होंने बोला नहीं 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 मैं थका नहीं हूँ मैं, और वाकई में वो इंसान थके नहीं है, और क्योंकि उनके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग है जी, बिल्कुल इतनी सारी ब्लेसिंग है, वो इंसान भगवान करे कभी भी ना थके, ऐसे चलते रहे, ऐसे उनके हाथों से लोगों को अवार्ड मिलते रहे, और बहुत सारी ब्लेसिंग उनके साथ जुड़ी रहे बस। थैंक यू सो मच सोनू जी। एंड जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, और वो हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं लगातार अच्छा काम करने के लिए, और सिर्फ अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, हम सबको एक दूसरे के लिए रहना होगा, राइट। और यही इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स एंड वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की टीम कर रही है। हम वो मंच है जो लोगों को अप्रिसिएशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो लगातार अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो। International Glory Award, I really want to thank all of the organizers, because COVID ke baad, I believe this is one of those events where many people have come together across India, and it is happening in Goa. And the biggest thing even which I came for, because of the real hero, Sonu Sood, who was the presenter and the chief guest of this award. He himself is such a beautiful person who has done lots in the Corona time. And it's lots of best luck to everyone who is winning this award. Thank you so much. On behalf of Kinnir Services, I, Lakshmi Narayan Tripathi, really want to thank the International Glory Award 2021. Thank you so much.